Hello kids, welcome back. I am Vandana, and we are learning science of class 4 by BrainRoot Series, and here is a book Science Park. Today we are going to start with chapter number 11, and the name is the elements. And what are they? They are air, water, and weather. So we are going to learn about these elements in this chapter. So, what all topics we are going to cover? We are going to learn about water. What is water cycle and what is air and weather? Let's start the chapter with the warm up exercise. Take hints from the picture given below and complete the sentence. So, what you can see, you can see there are some pictures in front of you. You have to take the hint from the picture and then you have to complete the sentence. So, the days are hot during dash and cold during dash. So, it's hot during summer and cold during winter.

सो द स्टेट्स ऑफ वाटर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इनका जो स्टेट है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है सो ऑन अ हार्ट डे जब बहुत ज़्यादा गर्म दिन होता है तो क्या होता है द हीट ऑफ द सन मेक्स मोर वाटर एवेपोरेट सो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो सूरज की जो गर्मी होती है वो क्या करती है बहुत सारे पानी को एवेपोरेट कर देती है तो क्या होता है वाटर वेपर्स जनरेट हो जाते हैं एंड वेन देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर वी से इट We say that the humidity is high. और जब हमारा हमारे आस पास जो हवा होती है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर वे होता है तो हम कहते हैं आज बहुत ज़्यादा ही है या फिर उमस भरी गर्मी है जिसमें बहुत चिपचिपी गर्मी होने लगती है वेदर कैन चेंज वेरी फास्ट ओवर आ डे एंड फ्राम प्लेस टू तो प्लेस सो ये जो वेदर है ये बहुत जल्दी जल्दी बदल सकता है हो सकता है एक दिन में ही बदल जाए और जगह पे भी डिपेंड करता है जैसी जगह उसके अकॉर्डिंग वहाँ का वेदर आपको मिलेगा सिमिलरली एन ऑन अ वेरी कोल्ड डे वाटर कैन फ्रीज टू आइस और अगर बहुत ज़्यादा ठंडा दिन है तो क्या होगा वाटर जो है जो अभी एवेपोरेट कर रहा था वो क्या हो जाएगा वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा सो दिस इज ऑल वॉट हैपन्स विथ वाटर सो लेट्स लर्न वाट इज एवेपोरेशन यू नो दैट द हीट ऑफ द सन चेंजेज वाटर इंटू वाटर वेपर आपको पता है कि जो सन का जो हीट है वो क्या करता है वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है वैपोरेट करके एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इंटू वाटर वेपर ड्यू टू हीटिंग इज कॉल एवेपोरेशन और इस पूरे प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं इट इज़ अ नॉन स्टॉप प्रोसेस ये प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता वाटर हमेशा हर रोज़ जो है इवेपोरेट होता है ये ना रुकने वाला प्रोसेस है वाटर वेपर इज़ कंटीन्यूसली टू द एयर और ये वाटर वेपर जैसे स, सन जो है इस वाटर को गर्म करता है ये जो वाटर वेपर है कंटिन्यूसली जो है एयर में मिक्स होता रहता है देर आर मैनी फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एवेपोरेशन के प्रोसेस को क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं सो लेट्स सी वॉट आर दे फर्स्ट कम्स सन्स हीट सूरज की गर्मी सो लेट्स सी हाउ द सन्स हीट इफेक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर तो चलिए देखते हैं कैसे सूरज की जो गर्मी है वो वाटर वेपर को इवेपोरेट करता है सो ये यू कैन सी दिस आर स्मॉल एक्सपेरिमेंट गिवेन यू डू दिस

लीव द बाउल आउट इन सन फॉर फोर आवर्स अब इस बाउल को आपको धूप में रख देना है चार घंटों तक ऑब्जर्व द वाटर लेवल नाउ अब हम क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे वाटर लेवल जो था उसे हम ध्यान से देखेंगे इज द लेवल ऑफ वाटर द सेम और हैज़ चेंज क्या ये जो लेवल है वाटर का वो सेम है या फिर चेंज हो गया है सो ऑब्वियसली धूप में पड़े रहने की वजह से बाउल का जो पानी है वो नीचे पहुँच गया है वाटर लेवल में चेंज आया है वॉट हैपन्स टू दाटर वाटर को क्या हुआ एंड वेयर डर द वॉटर वो वाटर कहाँ चला गया सो दिस यू हैव टू फाइंड आउट आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट सो द वॉटर इवेपोरेट्स एंड चेंजेस इन टू वाटर वेपर अब यहाँ पर क्या हुआ धूप में रखने की वजह से ये जो वाटर था ये इवेपोरेट हो जाता है ये जो है सूरज की गर्मी से एवेपोरेट हो जाता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एयर में मिक्स हो जाता है एंड दिस वाटर वेपर इज़ द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर और ये जो वाटर वेपर है ये क्या है वाटर का गैशियस फॉर्म है इट इज़ लाइट एंड एवेपोरेट्स इन द एयर एंड यू कैन नॉट सी ये काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है एयर में इवेपोरेट हो जाता है और हम इसे देख नहीं सकते सो नाउ चिलन देयर इज समर एक्सपेरिमेंट ऑल्सो लेट्स डू इट सो द थिंग्स रिक्वायर्ड आर थ्री शैलो बाउल्स वाटर वन स्मॉल ग्लास तो आपको क्या लेने हैं तीन बाउल लेने हैं जो काफ़ी गहरे नहीं होने चाहिए शैलो होने चाहिए थोड़ा सा पानी लेना है एंड एक छोटा सा ग्लास लेना है ना अब आपको क्या करना है टेक थ्री शैलो बाउल्स ऑफ द सेम साइज़ आपको तीन बाउल एक साइज़ के लेने हैं फोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लास इन टू द थ्री बाउल्स ग्लास से आपको एक ही अमाउंट ऑफ वाटर तीनों में रखना है तीनों बाउल्स में दैन प्लेस द बाउल इन डिफरेंट प्लेसेज अब इन तीनों बाउल्स को अलग अलग जगहों पर रखना है फर्स्ट बाउल इन द रेफ्रिजरेटर पहले बाउल को फ्रिज में रख देते हैं दूसरे बाउल को क्या करना है सेकेंड बाउल इन द रूम वेयर यू देर इज नो सन लाइट दूसरे बाउल को रूम में रखना है जहाँ पर सन लाइट नहीं है एंड द थर्ड बाउल आउटसाइड इन द सन और तीसरे बाउल को हमें सन लाइट में रख देना है ऑब्जर्व द वाटर लेवल इन द थ्री बाउल्स अब हमें तीनों जो बाउल्स है उसमें जो वाटर लेवल है उसे ऑब्जर्व करना है ध्यान से देखना है आफ्टर फोर आवर्स चार घंटे बाद एंड यू विल नोटिस दैट द वाटर एवेपोरेट्स इन देश्स द फास्ट फ्राम द बाउल कैप्टन द सन लाइट तो हम क्या देखेंगे कि तीनों बाउल हमने रखे थे लेकिन पानी सबसे जल्दी कहाँ से एवेपोरेट हुआ उस बाउल से जो धूप में रखा हुआ है

फैला के रख देना है स्प्रेड आउट द अदर वन एंड कीप इट इन द रूम विदाउट द फैन और दूसरे को फैला के आपको उस कमरे में रखना जहाँ पे फैन नहीं है विथ वन ब्राइस फास्टर कौन सा हैंक की है जो जल्दी सूख जाएगा सो यू विल फाइंड आउट दैट देंग अ चीफ दैट वॉज स्प्रेड आउट इन अ रूम फैन विद्राइस फास्टर तो आप नोटिस करेंगे कि जिस कमरे में पंखा चल रहा था वहाँ वाला हैंकी जल्दी सूख जाएगा नाउ यू नो वाई वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे अब आपको ये पता चल गया होगा कि जब बहुत हवा वगैरह चलती है तो उस दिन कैसे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं नेक्स्ट इज सर्फेस एरिया सो यर इज एन एक्सपेरिमेंट गिवेन लेट्स सी वॉट वी हैव टू डू देयर द थिंग्स रिक्वायड आर टू हैंक अचीफ एंड वाटर यहाँ पे भी हमें दो हैंकी चाहिए और पानी चाहिए नाउ द प्रोसेस इज टेक टू हैंक अचीफ ऑफ द सेम साइज सेम साइज के हैंकी लेना है वेट बोथ देंक अचीफ दोनों ही हैंकी को हमें गीला करना है स्प्रेड आउट वन हैंक अचीफ टू ड्राई आउट इन सा एक हैंकी को क्या करना है फैला देना है और सूरज में सूखने को रख देना है क्रम्पल द आदव इन टू अ बाउल एंड लिव इट इन द सन अब दूसरे को क्या करना है पानी वाले बाउल में भिगवा के और ऐसे गोल गोल उसको करके हमें यहाँ पर सन में रख देना है ऑब्जर्व द टू हैंक अचीफ आफ्टर फिफ्टीन मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स के बाद अगर हम दोनों हैंकी को देखें विच हैंक चीफ ड्राइज फास्टर कौन सी हैंकी है जो जल्दी सूख हो गई यू विल फाइंड आउट दैट द हैंक चीफ दैट वॉज स्प्रेड आउट ड्राइड फास्टर हम इस बात को देखेंगे कि जिस हैंकी को हमने फैलाया था वो जल्दी सूख गई द लार्ज द सर्फेस एरिया ऑफ वाटर द फास्टर इज द एवेपोरेशन तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें ये बताता है कि जितना ज़्यादा सर्फेस एरिया होगा वाटर का उतनी जल्दी जो है एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है मीन्स जो फैली हुई हैंकी थी वहाँ पे क्या था सर्फेस एरिया ज़्यादा था मीन्स वो प्रॉपर पूरे सरफेस uh, में फैली हुई थी तो वहाँ पे वेपोरेशन जल्दी हुआ इन प्लेस ऑफ दैट हैंकी जिसे हमने क्रम्बल करके रखा था वॉटर वेपोरेट फास्ट फ्रॉम शैलो लेक्स विथ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ वाटर सो वाटर क्या करता है बहुत जल्दी वेपोरेट करता है शैलो लेक्स में से जिनका जो है सर्फेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है एंड इफ वी कंपेयर देम विद द लेक्स विथ स्मॉलर सर्फेस एरिया Deeper lakes with small surface area. Now, similarly, water in open ponds will evaporate faster than water in cool, deep wells. इसी तरीके से जो पानी है, open ponds में जो है जल्दी evaporate करता है, अगर हम जो है cool और deep well से compare उन्हें करे, तो so this was how uh, surface area affects uh, evaporation. now let's learn about condensation so we know that water vapor changes into water on cooling hum ye baat jante hain ki water vapor kya hota hai change ho jata hai water mein jab hum use cool karte hain the change of water vapor into water is called condensation और ये जो change होता है water vapor को हम water में convert कर रहे हैं इस पूरे process को हम condensation कहते हैं वाटर वेपर इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर वाटर वेपर क्या होता है वो कंडेंस करता है अलग अलग फॉर्म्स में नेचर में ना चिल्ड्रेन डू यू नो दैट वार्म एयर होल्ड्स मोर वाटर वेपर दैन कोल्ड एयर आपको क्या ये पता है कि जो वार्म एयर होता है वो ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड करता है इन कम्पेरिजन टू कोल्ड एयर कोल्ड एयर में कम वाटर वेपर आपको मिलेंगे

ये क्या करते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब ये वहाँ पे जाके कूल एटमॉस्फेयर से मिलते हैं और इसे हम क्या कहते हैं कंडेंसेशन मींस वो कंडेंस हो जाते हैं टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स और ये धीरे धीरे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं दीज टू फॉर्म क्लाउड्स और फिर ये क्या हो जाते हैं ये क्लाउड्स बनाते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है क्लाउड्स बन जाते हैं एज मोर एंड मोर वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन द क्लाउड्स जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाते हैं जॉइन हो के क्लाउड बन जाते हैं द वॉटर ड्रॉप्स बिकम हैवी एंड फॉल डाउन टू अर्थ एज रेन फिर क्या होता है ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं ये एक साथ कंबाइन होते हैं और धीरे धीरे ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और हैवी होने के बाद ये जमीन पे वापस अर्थ पे वापस आ जाते हैं इन फॉर्म ऑफ रेन नेक्स्ट इज ड्यू सो इन कोल्ड वेदर वाटर वेपर इन द एयर काम्स इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड ऑब्जेक्ट्स अब कोल्ड वेदर मीन्स ठंड के मौसम में आप देख सकते हो तो जब मौसम आपका काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है तो वाटर वेपर क्या होता है वाटर वेपर जो एयर में होता है वो कॉन्टैक्ट में आ जाता है कोल्ड ऑब्जेक्ट्स से मीन्स ठंडी चीज़ों से कॉन्टैक्ट में आता है एंड ग्रास एंड कंडेंसेज इन वाटर ड्रॉपलेट्स तो आपने देखा होगा ठंड के टाइम में क्या होता है आपको घास पर भी छोटी छोटी ओस की बूंदी दिखाई देती हैं एंड दिस इज नोन एज ड्यू इसे ही हम ड्यू कहते हैं नेक्स्ट कम्स फ्रॉस्ट सो वेन इट इज वेरी कोल्ड एंड द टेम्परेचर फॉल्स जब बहुत ज्यादा ठंडी होती है टेम्परेचर गिर जाता है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ड्यू ड्रॉप्स फ्रीज टू फॉर्म टाइनी आइस ये जो ड्यू ड्रॉप्स है ये क्या कर जाते हैं फ्रीज हो जाते हैं और बन जाते हैं छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स एंड दिस इज़ कॉल्ड फ्रॉस्ट इसे क्या कहते हैं फ्रॉस्ट जैसे धुंध हो जाती है बहुत ज़्यादा और हमारे नाक पर और या कपड़ों पर भी आप देखते हो कि धुंध जो है क्या हो जाती है चिपक जाती है नेक्स्ट कम्स फॉग एंड मिस्ट सो ड्यूरिंग विंटर सीजन आफ्टर अ कोल्ड नाइट जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो ठंडी रातों के बाद क्या होता है वी समाइम सीम टू बी एंड गर्व बाई अ क्लाउड थ्रू विच वी कैन नॉट सी हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है एकदम से बहुत ज़्यादा कोहरा छा जाता है और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है दिस इज़ फॉग इसे क्या कहते हैं फॉग कहते हैं फॉग अपीर्स वन वाटर वेपर कंडेंसेस और ये कब अपियर होता है जब वाटर वेपर क्या हो जाता है कंडेंस हो जाता है मीन्स और ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं ऑन डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर और ये कहाँ पे कंडेंस होते, है? होते हैं ये डस्ट पार्टिकल्स पे कंडेंस होते हैं जो कि एयर में होता है और ये क्लाउड्स बन जाते हैं नियर द सर्फेस ऑफ एरिया और कहाँ ये क्लाउड्स बनते हैं अर्थ के सर्फेस के पास वेन द क्लाउड इज नॉट वेरी डेंस वी कॉल इट मेस्ट मिस्ट। जब ये क्लाउड जो है बहुत ज़्यादा डेंस मीन्स घना नहीं होता तो हम इसे मिस्ट कहते हैं तो आप देख सकते हो ड्यू ऑन अ लीफ लीफ पे कैसे जो है उसकी बूंदें पड़ी हुई हैं नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ फॉग ना स्नो जब स्नो गिरता है ना क्लाउड एंड रेन एंड ड्यू नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज स्नो सिन कोल्ड प्लेसेज वेन द वॉटर वेपर मूवस अप ठंडी जगहों पर जब वॉटर वेपर ऊपर की तरफ जाता है इट कंडेंसेज टू फॉर्म आइस क्रिस्टल ये क्या कह जाता है कंडेंस होकर आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है इंस्टेड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स की जगह ये आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं एंड स्नो फ्लेक्स और ये स्नो फ्लेक्स के रूप में जो है नीचे गिरने लग जाते हैं और फिर आप देख सकते हो ऐसे स्नो हर जगह वाइट वाइट स्नो दिखाई देने लगता है नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज चिलेट वॉटर इन ओशन लेक रिवर पॉन्ड एंड फॉर्म्स वॉटर वे पर सो so, ये जो सन का जो हीट है वो क्या करता है इन सब जगहों से पानी को गर्म करता है और उसे वाटर वेपर में कन्वर्ट करता है वाटर वेपर राइज अप इन द एयर ये जो वाटर वेपर है अब ये गर्म होने के बाद क्या होता है ऊपर की तरफ राइज होने लगता है एट अ वेरी हाई लेवल इन द स्काई एयर इज वेरी कूल काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने के बाद वहाँ पर जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी है तो उस ठंडी हवा से मिलके ये क्या जाता है हो जाते हैं कंडेंस हो जाते हैं एंड व्हेन द वॉटर वेपर कम्स इन कांटेक्ट विद द कूल एयर इट कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर तो वहां जाके ये कंडेंस हो जाते हैं और छोटे-छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप ले लेते हैं दीस टाइनी ड्रॉपलेट्स गैदर टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं इकट्ठा हो जाते हैं और एक साथ इकट्ठा होकर ये क्लाउड्स बन जाते हैं बादल बन जाते हैं दीज ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स फॉर द कूल डाउन ये जो ड्रॉपलेट्स हैं क्लाउड में वो और भी ज्यादा कूल डाउन हो जाते हैं आगे जाके एंड फॉर्म बिगर ड्रॉप्स और ये बड़े बड़े ड्रॉप्स बन जाते हैं वाटर के एंड दीज ड्रॉप्स हैंग इन द क्लाउड्स और ये जो ड्रॉप्स हैं क्लाउड में इकट्ठा होते रहते हैं होते रहते हैं गेट टू हैवी जब तक ये बहुत ज्यादा हैवी या फिर भारी ना हो जाए तब तक ये वहाँ पे इकट्ठा होते रहते हैं ना फाइनलीउन अब क्या होता है एकदम से ये जो वाटर ड्रॉप है ये नीचे आने लगता है रेन के फॉर्म में तो क्लाउड्स बन गए काफी ज्यादा हैवी हो गए और अब ये आप देख सकते हो रेन के फॉर्म में नीचे की तरफ आने लगे दिस रेन वाटर फ्लोज डाउन इन टू डिफरेंट वाटर बॉडीज अब ये रेन जब नीचे आया अब ये डिफरेंट वाटर बॉडीज में कहीं रेवर लेक ओशन कहीं भी ये वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं जो रेन है ये बह के उन सब में मिल जाता है दिस साइक्लिक मूवमेंट ये जो साइकिल मूवमेंट है वाटर का नेचर नेचर में जो वाटर का मूवमेंट है इसे ही हम वाटर साइकिल कहते हैं क्या कहते हैं वाटर साइकिल तो पहले पानी जो है गर्म हुआ बादल बने फिर वो बादल हैवी हुए फिर उन बादलों से बारिश हुई और फिर वो बारिश का पानी जो है वापस से आके इन पौन लेक रिवर में मिल गया तो ये क्या है ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है क्या है ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है इसी को तो हम कहते हैं साइकिल सो आई होप चिल्ड्रेन आपको साइकिल क्लियर हो गया होगा नाउ डू यू नो दैट रेनबो इज़ कॉज बाई सन लाइट आपको पता है कि ये जो रेनबो है ये सन लाइट से पैदा होती है फॉलिंग ऑन रेनड्रॉप्स और ये रेनड्रॉप्स पर गिर जाते हैं वन सन लाइट एंटर्स है रेनड्रॉप जब सन लाइट जो है इन रेनड्रॉप्स में एंटर करती है तो क्या होता है इट गेट्स सेपरेट इन टू सेवन कलर्स ये रेनड्रॉप का ये जो है आप देख सकते हो इन सेवन कलर्स में सेपरेट हो जाता है टू सी अ रेनबो यू मस्ट स्टैंड विथ योर बैक टुवर्ड्स द सन अगर आपको रेनबो देखना है तो आपको अपना बैक जो है सन की तरफ करना होगा एंड द रेनफॉल इन फ्रंट ऑफ योर रेनफॉल आपके सामने हो और सन आपके पीछे हो तो आपको आराम से रेनबो दिखाई देगा ना लेट्स लर्न अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर सो वॉट हैपन्स टू द रेन वाटर वेन इट फॉल्स ऑन द अर्थ सर्फेस क्या होता है जब भी बारिश का पानी जो है अर्थ के सर्फेस पे आ जाता है तो क्या होता है सम ऑफ द वॉटर इसमें से काफी सारा पानी जो है इन सब जगहों में चला जाता है सम रेन वाटर इज बाय द सॉइल कुछ रेन वाटर क्या है सॉइल कर लेता है मिट्टी अपने अंदर ले लेती है इट सीप्स इन टू दॉयल वो मिट्टी के बहुत अंदर तक चला जाता है ये पानी एंड कलेक्ट्स अंडर द ग्राउंड और ये पानी ग्राउंड मीन्स मिट्टी के अंदर काफी अंदर जाके ये इकट्ठा हो जाता है दिस वाटर इज नोन एज ग्राउंड वाटर इस पानी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं वी डिग वेल हैंडपम्प एंड ट्यूबवेल टू गेट ग्राउंड वाटर हम क्या करते हैं डिग करते हैं हम खोदते हैं वेल्स को हम हैंडप्स को खोदते हैं और ट्यूबवेल्स को खोदते हैं इस ग्राउंड वाटर को पाने के लिए तो आप देख सकते हो ना आपके सामने वेल है जहाँ जो कह देता है हमें ग्राउंड वाटर देता है ऐसे हैंडपम्प भी जो है हेल्प करते हैं ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए एंड सेम इज द वर्क ऑफ ट्यूब वेल लेट फॉलो द पाथ ऑफ रेन वाटर एज इट फ्लोज डाउन तो चलिए हम रेन वाटर के इस पाथ को फॉलो करते हैं जैसे ये बहता है रेन वाटर इज प्योर बट द मूमेंट इट रीच इज़ द ग्राउंड इट बिकम्स मडी जैसे ही ये रेन वाटर क्या करते हैं जमीन पर गिरता है ये मडी हो जाता है एंड डर्टी डर्टी भी हो जाता है पॉइजनस गैसेज फ्राम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज ऑल्सो गेट मिक्स विद द रेन अभी जो पॉइजनस धुएँ वाला जो धुआँ आता है व्हीकल से फैक्ट्री से वो भी इस रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाता है एंड कंटेमिनेट रेन वाटर रेन वाटर को क्या कर देता है कंटामिनेट मीन्स गंदा कर देता है इज दिस सेफ फॉर ड्रिंकिंग क्या ये जो है ये सेफ है ड्रिंक करने के लिए नो इट कंटेंस सॉलिबल एंड इन सोलिबल इम्प्योरिटीज ये क्या करता है सॉलिबल और इनसॉलिबल इम्प्योरिटीज को अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है एंड जर्म्स विच मेक द वॉटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग इसमें बहुत सारे जर्म्स आ जा जा जाते हैं जिसकी वजह से ये पानी जो है अनफिट हो जाता है ड्रिंक करने के लिए सो सॉलिबल सब्सटेंसेज एंड सब सब्सटेंसेज दैट डिजॉल्व इन वाटर लाइक सॉल्ट तो सॉलिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो आराम से पानी में मिल जाते हैं जैसे कि नमक होता है सो नेम थ्री मोर सॉलीबल सब्सटेंसेज अब तीन और सब्सटेंसेज के नाम बताने हैं जैसे कि शुगर हो सकता है क्लियर इसके अलावा आपको और कुछ सॉलीबल सब्सटेंसेस के नाम बताने हैं जो इजिली पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं नेक्स्ट कम्स इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आर सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर जैसे कि स्टोन सो स्टोन क्या है एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो पानी में नहीं मिलता है ना नेम थ्री मोर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस अब तीन और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के नाम बता रहे हैं बताने आपको तो चलो मैंने लिख दिया एक है चौक तो चौक पाउडर भी पानी में नहीं मिक्स होता है सो हाउ कैन इम्प्योरिटीज़ भी रिमूव फ्राम वाटर अब ये जो पानी है इसमें से इन इम्प्योरिटीज़ को कैसे हटाया जाए सो वी कैन प्योरीफाई दाटर एट होम इन द फॉलोइंग वेज तो कुछ तरीके दिए गए हैं जिससे हम पानी को क्या को प्योरीफाई कर सकते हैं सो द फर्स्ट पॉइंट इज सम्योरिटीज़ प्रजेंट इन वाटर आर इनसॉलिबल इन इट कुछ जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं पानी में वो क्या हो जाती हैं इन्सॉलिबल होती हैं एंड दे कैन बी रिमूव बाई अलाउंग वाटर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर समाइम और ये क्या हो जाती है ये जो है रिमूव की जा सकती हैं इसकी वजह से अलाउ करने के बाद वाटर को एकदम अगर आपने पानी को जो है अनडिस्टर्ब मीन्स बिना छुए बिना हिले डुले आपने छोड़ देर छोड़ दिया तो कुछ इम्प्योरिटीज जो है उसमें से रिमूव की जा सकती हैं द इनसॉलिबल सब्सटेंसेज विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर सो so, ये जो इंसॉलिबल सब्सटेंस ये जो इंसॉलिबल चीज़ें हैं ये क्या हो जाती है उस कंटेनर में से जो है आ, उस कंटेनर के नीचे जो आप देखोगे तो वो सेटल डाउन हो जाती हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन और इस प्रोसेस को जब हम इन सब्सटेंसेस को पानी में नीचे जो सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं सो so इस पूरे प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं नाउ द क्लियर वाटर इज़ ट्रांसफर टू अनदर कंटेनर अब ये जो साफ पानी है इसे जो है दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है केयरफुली सो दैट द सेटल्ड इम्प्योरिटीज़ आर नाट डिस्टर्ब इसलिए ताकि ये जो सेटल मीन जो ये बैठी हुई इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिस्टर्ब ना हो और पानी को हम इजिली निकाल सकें एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डी कैंटेशन और इस पानी के निकालने वाले प्रोसेस को हम डी कैंटेशन कहते हैं डी कैंटेड वाटर में नॉट बी वेरी क्लियर एंड फिट फॉर आवर यूज ये जो डी कैंटेड वाटर है ये ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता है हो सकता है हमारे लिए फिट ना हो पीने के लिए सो आप देख सकते हो सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा है इन सोलिबल इम्प्योरिटीज़ को हम नीचे बैठा रहे हैं फिर डिकटेशन में हम इंसॉल्यूबल इंप्योरिटीज़ नीचे बैठी हुई हैं और जो वाटर है उसे हम ग्लास रोड की मदद मतलब से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं अब जो है थर्ड प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन को यूज़ कर रहे हैं फिल्टर पेपर को यूज़ कर रहे हैं और इस डिकेंटेड वाटर को हम फिल्टर पेपर के थ्रू साफ करके प्योर बना रहे हैं सो वी कैन ऑल्सो रिमूव द इनसॉलिबल इम्प्योरिटीज़ फ्राम वाटर बाई फिल्टरिंग इट थ्रू ईदर अ फिल्टर पेपर और अ वेरी थिन मसल इन क्लोथ सो हम क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं इनसॉलिबल इम्प्योरिटीज़ को वाटर में से कैसे करके फिल्टर करके कैसे या तो फिल्टर पेपर यूज़ कर सकते हैं या फिर बहुत ही पतला सा मसलिन क्लोथ यूज़ कर सकते हैं और उसकी मदद से हम इस पानी को फिल्टर कर सकते हैं द इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फ़िल्टर पेपर ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं इसे फिल्टर पेपर पे आप देख सकते हो इजिली ये सेटल डाउन हो जाते हैं और ऑन द क्लोथ एंड क्लीन द फ़िल्टर वाटर इज़ एंड क्लीन फिल्टर वाटर इज ऑप्टेन और ये सारे इम्प्योरिटीज़ इस फिल्टर पेपर में पे बैठ जाते हैं और हमें साफ़ पानी मिल जाता है द बेस्ट एंड द सेफेस्ट मेथड ऑफ़ वाटर प्योरिफिकेशन इज बॉयलिंग बॉयलिंग क्या है सबसे बेस्ट और सेफेस्ट मेथड है प्यूरिफिकेशन का सो वी शुड बॉयल वाटर फॉर एटलीस्ट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स हमें क्या करना है? चाहिए वाटर को टेन टू फिफ्टीन मिनट्स तक बॉयल करना चाहिए टू किल ऑल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट जितने भी जर्म्स हैं उसके अंदर उसे मारने के लिए उसे टेन टू फिफ्टीन मिनट्स तक हमें जो है क्या करना चाहिए बॉयल करना चाहिए द बॉयल्ड वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड वेसल और ये जो बॉयल्ड वाटर है इसे हमें कहाँ रखना चाहिए स्टोर करना चाहिए एकदम साफ सुथरे कवर्ड बर्तन में प्रिजर्व करके जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर कैन ऑल्सो बी किल्ड बाई यूजिंग केमिकल्स लाइक क्लोरिन सो जो जर्म्स होते हैं वाटर में उसे भी हम मार सकते हैं कैसे बाई यूजिंग केमिकल्स केमिकल्स के यूज़ करके जैसे कि क्लोरिन एक केमिकल है जिसकी वजह से हम पानी को साफ कर सकते हैं इट इज़ नाव अ डेज इजिली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स ये टैबलेट्स के फॉर्म में आजकल ईजिली आपको मिल जाएगा नेक्स्ट कम्स स्टोरिंग वाटर सो वाटर शुड बी स्टोर प्रॉपरली इन क्लीन वेसल्स वाटर को हमें क्लीन मीन साफ़ सुथरे बर्तनों में अच्छे से स्टोर कर देना चाहिए वी मस्ट टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग वाइल स्टोरिंग एंड यूजिंग वाटर हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम पानी को क्या कर रहे हैं स्टोर कर रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं तो पहले क्या करना है कीप ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड हमेशा जो पीने वाला पानी उसे ढक के रखें वॉश योर हैंड बिफोर टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम अ वेसल आपको अपने हाथों को पहले अच्छे से धोना है तभी किसी बर्तन में से पानी निकालना है ऑलवेज यूज अटूला टू टेक आउट वाटर फ्राम वेसल और बकेट हमेशा एक एक अलग से स्पैटुला को यूज़ करें ताकि आप किसी भी उस बर्तन में से पानी निकाल सकें कीप द बकेट एंड कंटेनर कवर्ड इफ द वाटर हैज़ टू बी यूज फॉर यूज़ आफ्टर सम टाइम और अगर पानी को थोड़े देर बाद आपको यूज़ करना है तो आपको क्या करना है बकेट को और कंटेनर को ढक के रखें तो क्या होगा इससे दिस विल प्रिवेंट मॉस्कीटोज फ्रॉम स्प्रेडिंग इसकी वजह से मॉस्कीटो जो हैं स्प्रेड नहीं होते

नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज एयर एंड वेदर सो एयर इज ऑल अरा जैसा कि हम जानते हैं हमारे हर तरफ हाँ है एंड इट many gases सच as water वेपर स्मोक एंड डस्ट और इसमें बहुत सारे गैसेस आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि वाटर वेपर हो गया या फिर स्मोक हो गया या फिर डस्ट हो गया अवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ एयर हमारा जो अर्थ है वो एयर से सराउंडेड मीन्स उसके आपको हर तरफ आपको हवा ही हवा मिलेगी और इस लेयर को हम क्या कहते हैं हम इस लेयर को अटमॉसफेयर कहते हैं अटमॉसफियर प्रोटेक्टर्स फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन ये जो एटमॉसफेयर है ये हमें सूरज के जो हार्मुल रेज है उससे बचाता है यू नो दैट मूविंग एयर इज कॉल्ड विन आपको तो पता ही होगा कि जो मूविंग एयर है जो चलने वाली हवा है उसे हम विंड कहते हैं द स्पीड ऑफ द विंड अफेक्ट्स द चेंज अफेक्ट्स एंड चेंज द वेदर ऑफ अ प्लेस जो स्पीड होती है विंड की ना वो क्या करता है किसी भी जगह के वेदर को चेंज कर देता है वेरी स्ट्रांग विंड कॉज इज अगर बहुत तेज हवा चलने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं स्टॉन्ग कहते हैं वॉट हैपन्स वेन ईयर गेट हीटेड क्या होता है जब ईयर जो है गर्म हो जाता है हीटअप हो जाता है सो लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट थिंग्स रिक्वायर्ड आर टू प्लास्टिक बॉटल दो प्लास्टिक वाटर लेने हैं हमें ऑफ द सेम साइज एक ही साइज़ की ना टू बाउल्स दो बाउल लेने हैं हॉट बॉयलिंग वाटर एंड कोल्ड वाटर एंड टू बलून्स सो दीज आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड नाउ फिट वन बलून ईच ऑन द माउथ ऑफ टू बॉटल्स तो दोनों बॉटल्स के मुंह पे हमें क्या करना है जो बलून लगा देना है पुट बॉयलिंग वाटर इन द फर्स्ट बाउल पहले बाउल में हमें गर्म पानी डालना है सो पुट बॉइलिंग वाटर इन द फर्स्ट बाउल फर्स्ट बाउल में आपको बॉयलिंग वाटर डालना है एंड पुट कोल्ड वाटर इन द सेकेंड बाउल और सेकेंड बाउल में आपको कोल्ड वाटर डालना है स्टैंड वन बॉटल इन ईच बाउल और दोनों ही बाउल्स में आपको एक एक बॉटल लगा देनी है यू विल ऑब्जर्व दैट द बलून ऑन द बॉटल इन हॉट वॉटर स्टार्ट फिलिंग अप आप देखोगे कि जो बलून है जिसमें जो बॉटल जिसमें जो गर्म पानी में हमने रखा है उसका जो बलून है वो क्या हो जाता है वो फिल अप होना स्टार्ट हो जाता है एंड बिकम्स बिगर और बड़ा होने लगता है द हॉट वॉटर हीट्स द एयर ये हॉट वाटर क्या करता है एयर को हीट करता है एंड इन द बॉटल एंड हॉट एयर इज लाइट और ये जो गर्म पानी है वो कैसा है बहुत ही लाइट हल्का है इट राइज आप एंड फिल्स द बलून ये क्या हो जाता है ऊपर की तरफ उठता है और बलून को फिल कर देता है हॉट एयर इज लाइट एंड राइजेज आप हॉट एयर जो है हल्का होता है और इसीलिए वो ऊपर जाता है इन नेचर द सन हीट्स द लैंड अब नेचर में क्या होता है जो सन है वो लैंड को हीट अप करता है

कोल्ड एयर नीचे उस हॉट एयर की जगह ले लेती है और हॉट एयर ऊपर की तरफ चली जाती है दिस विंड टू ब्लो और इसी की वजह से क्या होता है विंड ब्लो करता है डज द सन हीट द लैंड एंड वाटर इक्वली क्या आपको पता है कि ये जो सन है वो लैंड और वाटर को इक्वली मीन्स एक जैसा ही गर्म करता है सो नाउ चिल्ड्रेन टू टेक टू बाउल्स आपको दो बाउल्स लेने हैं फिल सैंड इन वन एक में आपको सैंड डालना है एंड वाटर इन द अदर दूसरे में आपको वाटर डालना है कि बोथ ऑफ देम इन द सन दोनों को धूप में रख दें आफ्टर एन आवर एक घंटे के बाद यूज अ थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ईच बाउल आपको क्या करना है टेम्परेचर को मेजर करना है दोनों बाउल्स का विच वन इज वार्मर सैंड और वाटर दोनों में से क्या गर्म है सैंड ज़्यादा गर्म है या वाटर ज़्यादा गर्म है नाउ कीप द टू बाउल्स इंडोर अब दोनों बाउल्स को आपको घर के अंदर रख देना है आफ्टर एन आवर चेक द टेम्परेचर अब एक घंटे बाद हमें टेम्परेचर को चेक करना है विच वन इज व कौन सा गर्म है नाउ कंप्लीट दिस टेबल विद द वर्ड्स वर्थ और कूलर अब ये एक्सरसाइज करने के बाद ये एक्टिविटी करने के बाद आपको क्या करना है ये जो बॉक्स दिया है इसे फिल करना है तो प्लेस है आउटडोर में सैंड म होता है या वाटर तो अगर सैंड होता है तो वार्मर लिख देंगे वाटर होता है अगर वाटर ठंडा है तो कूलर लिख देंगे सिमिलरली आपको क्या करना है इंडोर में भी चीजें ऐसे ही लिखनी है नाउ इन द गिवन टाइम पीरियड सैंड वाटर डज नॉट ऑब्जॉर्व द सेम अमाउंट ऑफ हीट सो ये जो दिया गया टाइम पीरियड है इसमें सैंड और जो वाटर है ये एक तरीके का हीट ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते एज यू कैन सी फ्रॉम द टेबल सैंड अब्ज़ॉर्ब्स हीट फास्टर देन वाटर सो अगर हम टेबल को देखेंगे जो हमने अभी किया था उसमें क्या होता है जो सैंड है वो हीट को जल्दी ऑब्जॉर्व करता है इन कंपैरिजन टू वाटर वाटर के कंपैरिजन में इट आल्सो कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर डास् और ये जो है पानी से जल जल्दी जो है ठंडा भी होता है जितनी जल्दी ये गर्म होता है उतनी जल्दी ये ठंडा भी होता है ऑन द अदर हैंड वाटर अब्जॉर्ब्स द एंड लूज इज हीट मोर स्लोली अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये जो पानी है ये क्या करता है हीट को लूज करने में इसको टाइम लगता है और गेन करने में भी इसे टाइम लगता है सिमिलरली इन दिनिंग द लैंड बिकम्स कूलर एंड दब ए स्कूल ऐसे अगर हम शाम को देखें तो लैंड जो है क्या हो जाता है जल्दी ठंडा हो जाता है और ईयर जो है उसके ऊपर होता है वो ठंडी होती है बट वाटर डज नॉट बिकम कूल इजिली लेकिन पानी जल्दी से ठंडा नहीं हो पाता सो द एयर अबव द सी इज वार्मर इसलिए जो एयर है सी के ऊपर वो गर्म रहती है दैन द एयर ओवर द लैंड अगर हम उसे लैंड के एयर से कंपेयर करें द व्मर एयर अबव द सी राइज अब ये जो गर्म हवा है सी के ऊपर वो ऊपर की तरफ उठेगी और जो लैंड की जो ठंडी हवा है वो उस प्लेस को उस एम्प्टी प्लेस को ले लेगी एंड इट विल टेक द प्लेस ऑफ द वार्म एयर ओवर द सी दिस इज ब्रीज और इससे ही क्या होता है लैंड ब्रीज लांड्रीज होता है दिस टेक्स प्लेस एट नाइट और ये रात में होता है ये यू कैन सी सन इट इज वार्मिंग सैंड एंड वाटर बोथ इन डिफरेंट बाउल्स एंड सैंड सैन ऑब्जॉर्ब हीट मोर क्विकली एंड कूल्स डाउन फास्ट दैंड वाटर नेक्स्ट वॉट कॉजेज लैंड एंड सी ब्रीज क्या है जो इन दोनों को जो है कॉज uh, करता है क्या रीज़न है सो लैंड एंड वाटर डू नॉट ऑब्जॉर्व और लूज द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम सो ये जो लैंड और वाटर है ये क्या कर सकते हैं ये एक साथ ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते हैं सेम अमाउंट ऑफ हीट और सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिस डिफरेंस गिव्स राइज टू लैंड ब्रीज एट नाइट एंड सी ब्रीज ड्यूरिंग डे सो लैंड ब्रीज है इसी की वजह से लैंड ब्रीज नाइट पे होता है और सी ब्रीज डे में लेट अस सी हाउ चलिए देखते हैं कैसे तो फर्स्ट टॉपिक इज सी ब्रीज सो ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड क्विकली अब जब दिन का समय होता है सूरज की रोशनी की वजह से जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है वट द सी डज नॉट लेकिन जो सी है वो नहीं होता वेन द एयर अबव द लैंड हॉट लैंड गेट्स हीटेड जब वो लैंड के ऊपर की जो एयर होती है वो हीटअप हो के ऊपर जाती है इट राइजेज एंड कूल एयर ओवर द सी रश टू टेक द प्लेस तो जैसे ये गर्म हवा ऊपर जा रही है तो सी की जो ठंडी हवा है वो लैंड पे आ जाती है एंड टेक्स इट प्लेस दस अ कूल ब्रीज लो टूवर्ड्स द लैंड द डे इसलिए दिन के समय क्या होता है एकदम ठंडी ठंडी हवा आपको मिलती है दिस इज सी ब्रीज तो लैंड वार्म हो गया वार्म एयर ऊपर जा रही है और जो यहां से सी की ठंडी हवा है वो लैंड को आ रही है तो हमें ठंडी हवा का आभास होता है नेक्स्ट कम्स लैंड ब्रीज अब हम लैंड ब्रीज क्या होता है ये पढ़ेंगे सो एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्ट अब रात में क्या होता है जो लैंड है वो जल्दी ठंडा हो जाता है सो द सी लैंड एयर फ्रॉम द लैंड इट्स प्लेस अब यहाँ पे क्या होता है लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है रात में और लेकिन सी उसके कंपैरिजन में धीरे धीरे ठंडा होता है तो ये जो गर्म हवा है सी के ऊपर से वो ऊपर जाती है और लैंड की जो ठंडी हवा है वो सी की प्लेस ले लेती मीन सी में जो एयर थी हॉट एयर थी उसकी जगह उसने ले ली तब तो आप देखोगे कि लैंड से वो ठंडी ठंडी हवा जो है सी की तरफ जाती है सो दिस इज लैंड ब्रीज नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योर स्किल्स चिल्ड्रेन टू मैच द फॉलोइंग सो सी ब्रीज ड्यू हीटिंग्स आर नाइट डे लेयर ऑफ सॉइल सो लेट्स मैच सी ब्रीज It occurs at daytime. Similarly, children match the rest of the questions here. Next comes new words. So, here we have learned some new words. The first word is evaporation. The process of changing water into water vapor on heating is evaporation. The next word is condensation. So, the process of changing water vapor into water on cooling is condensation. Now children the next is filtration, the process by which the impurities of water are removed by passing it through a filter paper is called filtration. Next word is contaminate, the, to dirty or pollute something, kisi ko dirty karna, pollute karna, this is called contaminate. Now let's move on to flashback which is the uh, points to remember, rain is the main source of water. The heat of the sun evaporates water. The factors that speed up evaporation at high temperature, bigger surface area, and wind. Evaporation and condensation cause rainfall. Water contains soluble and insoluble impurities, and these impurities can be removed by sedimentation, decantation, and filtration the earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere the sun's heat causes change in weather so these are the important points that you have to remember children now let's move on to book exercise and here the first exercise is a exercise which is take the correct option सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफर इज द चेंज इन द वेदर आर कॉज बाय जो वेदर में चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है स्टार्स क्लाउज सन और रेन सो येस सन की वजह से ये सारे चेंजेस होते हैं क्योंकि सन क्या करता है जो वाटर um, है उसे गर्म करके वेपोरेट करके कभी भी क्लाउड्स बना देता है रेन भी हो सकती है सो सन इज द मेजर थिंग दैट कॉज इज द चेंज इन द वेदर नेक्स्ट इवेपोरेशन इज फास्ट वेन इवेपोरेशन कब फास्ट होता है सो इवेपोरेशन इज फास्टर वेन विंड इज स्ट्रोंग सर्फेस ऑफ वॉटर बॉडी इज लार्ज और एयर इज़ ड्राई ऑल ऑफ दीज सो वैन द सर्फेस ऑफ वॉटर बॉडी इज लार्ज इन दैट केस इवेपोरेशन इज फास्ट सो लाइक दिस चिल्ड्रेन यू हैव टू डू The rest two questions yourself. Now let's move on to B part, which is fill in the blanks. So, dash is the main source of water. So, yes, rain is the main source of water. Now, the hotter the day, the dash, the evaporation, the faster the evaporation. Jitna zada din nutna zada evaporation hoga. So, children do the rest questions yourself it's your homework now let's move on to c exercise which is state true or false for the following statements so the first one is dew, dew drops that freeze into tiny ice crystals are known as rain False. so children similarly do the rest two questions yourself now let's move on to d part which is answer the following questions first one is define weather so write down the definition read it from the book and write it here second one is what do you understand by evaporation and condensation so uh, the, when the water converts into water vapor on boiling it is called evaporation and when this water vapor uh, when on cooling that it converts into water it is called condensation so, this is evaporation and condensation. Now, children, do question number 3, 4, and 1 yourself. So, children, with this, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.